हम सभी ने शायद इलेक्ट्रिक करंट का शॉक कभी अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन कभी न कभी एल्बो के टकराने से जो शॉक लगता है वो अनुभव किया ही होगा। आपको याद होगा कि एल्बो टकराने पे कैसे पूरे हाथ में तेज झनझनाहट होती है। ये तेज झनझनाहट कुछ वक्त के लिए रहती है पर बहुत दर्द देती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ को ठोकर नहीं लगी है बल्कि हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। क्या आपने सोचा है स्ट्रॉन्ग सेंसेशन सिर्फ एल्बो टकराने पे ही क्यों होता है? तो आज के वीडियो में हम एल्बो हिट होने पे होने वाले सेंसेशन की वजह जानते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एल्बो के ठीक नीचे के क्षेत्र को फनी बोन कहा जाता है क्योंकि ये बोन नहीं होता है बल्कि एक नर्व होता है जिसे उल्नार नर्व कहते हैं। ये उल्नार नर्व आर्म के बैक साइड से एल्बो के इनर पार्ट से फोरआर्म में जाती है। उल्नार नर्व हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है जिस कारण ये लॉन्ग नर्व ब्रांचेस में डिवाइडेड है। उल्नार लॉन्गेस्ट नर्व होने के कारण क्यूबिटल टनल से पास होता है। जहाँ पे नर्व पास होता है उसे मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं और ये नर्व स्किन के काफी क्लोज होता है जिस कारण टकराने पे शॉक जैसी फीलिंग आती है। मीडियल एपिकोंडाइल से अल्नार नर्व लास्ट फिंगर और हाफ एडजेसेंट रिंग फिंगर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वहाँ से अल्नार नर्व पाम के फ्रंट और बैक पार्ट्स में भी कनेक्टेड होता है। उल्नार नर्व हमारे हैंड में ट्विस्ट होके डिवाइडेड है जिस कारण एल्बो पे राउंड बम्प आता है। इस कारण एल्बो टकराने पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग आती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एल्बो टकराने के बाद इलेक्ट्रिक करंट जैसा अनुभव क्यों होता है। अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।